नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 365, हर खबर पहली नज़र। रोहतास जिले के 2 महीने के बाद भी दुष्कर्म के आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। करगहर प्रखंड के बरहरी ओपी क्षेत्र के तेंदुनी गांव के एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने डर के मारे पलायन कर लिया है। पिछले महीनों से पीड़िता किशोरी तथा उसके पिता एवं भाई गाँव छोड़कर पलायन कर गए हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार दुष्कर्म आरोपी की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब तो परिजनों ने पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया है कि पुलिस दुष्कर्म आरोपियों से मोटी रकम लेकर उन लोगों को संरक्षण दे रही है तथा बड़े नेताओं एवं अधिकारियों के पैरवी के कारण दुष्कर्म पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि रोहतास जिला के बरहरी थाना क्षेत्र के तेंदुआ गाँव में लगभग 2 माह पहले एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस पीड़िता की मेडिकल जाँच कराकर कई दिनों के बाद FIR दर्ज की। लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि किशोरी दवा लेकर लौट रही थी। इसी दरमियान हवस के दरिंदों ने उसे अगवा कर बगीचे में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। लड़की खून से लथपथ होकर बेसुध हो गई, परंतु दरिंदों ने छोड़कर भाग गया। इस मामले की लड़की के पिता ने तीन को नामजद आरोपी बनाया है। 2 आरोपी अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है, वहीं किशोरी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अवनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सासा। पुलिस के नाकाम बा है, सगरे सरेआम घूम रहा बा लोग। मान ली कि ये बड़हरी के अंदर अगर आजू बाजू में कुछ दिनारा वो सब पुलिस के मालूम बा। जब आके लोग पैसा दे रहा बा तो लोग की जानकारी नहीं चाहिए। पुलिस के मालूम होते हुए भी कुछ नहीं मतलब कर पा रहे ना, कुछ नहीं। इसके पैसा लोग ले बा तो कहाँ से कुछ करी। और दबाव पूरा भरपूर मात्रा में मिल रहा है। हाँ, दबाव हम जान से मारने की। हाँ, हर हित नाता और ऊपर महिला आके कहती है कि नहीं जान से मारे तब जल जी जैसे। अच्छा, मतलब उन लोग मार के जेल में जाएंगे। हाँ, ऐसा प्लान है उन लोग का। हाँ, ऐसे उनको मम्मी बोल रही थी। हाँ, और पुलिस भी कुछ दो महीना हो भी गया, कहाँ से कुछ कर रही है। एगो के पकड़ ले बा, वो सब षड्यंत्र था कि एगो धरा जाओ तो हमनिका अस्थिर हो जाए, दूसरा गांव के धरा जाए, ये सब मेन जे बा वही तरह पड़ल बा। अच्छा, चाहे जो भी कुछ अरांट हो तो वो सब अपन मन नहीं आई है ना जी, जो अरांट होके के चाहे चाहे जो भी कुछ होके चाहे सरकार के जो भी प्लान है रहा है। प्रशासन के पास जाने पर कहती है कि रुकिए हम पकड़ रहे हैं, और बार बार धमकी मिल रहा है जान से मारने की, जान से मारने के लिए। और उनका जो अपने ही तरफ के लोग हैं जो कि मिले हुए हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं, ये सब न्याय हम लोग को नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गया केस को, कितने दिन हो गया? 1.5 महीना से ऊपर जा रहा है। 1.5 महीना हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ, और SP साहब आए थे तो बोल रहे थे 3 दिन में हम गिरफ्तार कर इनको अथी करेंगे, नहीं होगा तो मैंने ठीक करेंगे, कुटकरण कराएंगे। आज तक तो कुछ नहीं हुआ, बार बार थाने पर जाने पर टाल बटाल कर रही है। प्रशासन क्या बोल रहा है, मतलब थाने पर जाने के बाद थाने पर जाने पर ठीक है कॉल कर रही है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कर रही है। उनके बातों से लग रहा है मतलब वो लोग मिले हुए हैं। हाँ, प्रशासन मिली हुई है। अच्छा, और कुछ नहीं कर रही है, धमकी जान से मारने की। हाँ, बार बार उतार रहा है। उसकी माँ बोल रही कि वो कुछ गांव के लोग मिले हुए हैं कि नहीं जान से बम पटक कर सभी लोगों को मार दिया जाएगा। अच्छा, उनके परिवार के ही लोग मिले होंगे। हाँ, आई कुछ लोग ऐसे हैं कि मिले हुए हैं। 1.5 महीना हो गया अभी तक मतलब कुछ सुनवाई नहीं है, और जान से मारने की बार बार धमकी को धमकी मिल रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से मतलब कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। समाज के लोग के दबाव था, एगो के पुलिस पकड़ ले बा और के नखे पकड़ो।